इस वक्त हम हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटेरिएट पे। जैसा कि अभी रिसेंटली पता चला है कि अरुणाचल पे सबसे पहला COVID-19 पाया गया है, तो चलिए हम जानते हैं नामसाई के DC से कि उनका क्या कहना है इस केस को लेकर और क्या प्रिकॉशंस ले गए नामसाई डिस्ट्रिक्ट को लेकर। और सर, रिसेंटली जो अभी सुनने में आया है, आज ही जो खबर मिला है, ये मेदू का है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में है सर, एक पॉजिटिव केस पाया गया है जो क्वारंटाइन में था, जो क्योंकि हम लोग का पड़ोसी पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लोहित और मेदू तो सामने ही पड़ता है नामसाई, तो किस तरह का जो प्रिकॉशन जो ले रहा है सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नामसाई? एक तो हमें हमें ये कन्फर्म्ड ये खबर मिल चुकी है कि ये कन्फर्म्ड केस है, जो तेजू वाला जो केस जो है ना, कन्फर्म्ड केस है। और ये जो इसका पेशेंट जो है वो मेदो में है, मेदो इज ऑलमोस्ट बॉर्डर है, लोहित और नामसाई का बॉर्डर है, यहाँ से हमारे लोग भी उधर ही जाते रहते हैं, वहाँ से भी लोग आते रहते हैं। जिस दिन से हमें ये खबर मिल गया कि एक वहाँ में एक केस है, क्वारंटाइन में वो चला गया, लेके गया तो जिस तेजू ने, उसी दिन से उसका मूवमेंट हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों ने मूवमेंट वहाँ से रेस्ट्रिक्ट करा दिया है। अब तो हम 100% हमने उसको बंद कर रखा है। हमने ESC और OC को हमने SP साहब को बता दिया कि वहाँ से मूवमेंट जो है पूरा बंद कर रखे। फिर वहाँ से हमारे यहाँ पर केस आया था कि जो ये निजामुद्दीन मरकज में गया हुआ है, एक गुना नगर का एक निकल के आया है, तो एंटायर गुना नगर को मैं पर्सनली खुद जाके, DSP थे मेरे साथ, ESC थे, OC थे, वो हमने जाके पूरा एंटायर वो जो गुना नगर का जहाँ में वो रहते थे उसी एरिया को का पूरे एरिया को हम लोगों ने क्वारंटाइन डिक्लेयर कर दिया है। और पहले तो ब्लॉकआउट है ही होता ही था, लेकिन एंटायर एरिया को हम लोगों ने वो क्वारंटाइन डिक्लेयर करवा के उसको किसी को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया वहाँ तक का अरेंजमेंट। और 6 का 6 जो हमारे यहाँ पे जो लोग गए हुए थे उस मरकज़ में, इन 6 को हमने, 3 जो है चौखम एरिया के हैं, 3 नामसाई के हैं, 3 ये 6 को हम लोगों ने उठवा लिया है उनका परिवार सहित, 3 को चौखम में हम लोग रखा, 3 को उनका परिवार सहित उसमें रखा हुआ है क्वारंटाइन में, फुल क्वारंटाइन सेंटर में, और 3 को हमने नामसाई क्वारंटाइन सेंटर में नामसाई वाले जो है रखे हुए हैं, उसमें इनको ना हम बाहर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं है, तो ना किसी को हम लोग जाने दे रहे हैं। उनका खाने पीने का भी, दवाई ववाई का भी हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। और कल हमने स्वैब टेस्ट के लिए उनका ICMR में भेज दिया था डिब्रूगढ़, और आज जो है रिपोर्ट आई है। ये भगवान की कृपा है, सबका दुआ है, तथागत बुद्ध का आशीर्वाद है कि ये जो है हमारे यहाँ पे जो नेगेटिव निकला, एक तसल्ली मिली है, तो मैं खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग तो खुश रहें लेकिन हमारे साथ दें। मैं अपील करता हूँ कि बाहर ना निकले जब तक का लॉकआउट है, उसके बाद भी अगर हो तो कम से कम निकले, ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। और ये जो लोगों को हम लोगों ने अभी नेगेटिव निकली है, लेकिन हम उनको वही क्वारंटाइन में रखेंगे, हम तसल्ली से नहीं बैठेंगे, हम कम्प्लीटली जैसे हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे वैसे करेंगे। और लगता है कि मैं एश्योर करता हूँ उससे भी ज़्यादा, अभी तक का जो है उससे भी ज़्यादा हम करेंगे उसको। वैसे है, लॉकडाउन तो शुरू हो गई थी 23rd, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने डिक्लेयर करा था 23rd मार्च से, लेकिन जो हम लोगों ने जो स्क्रीनिंग जो शुरू किया था दिराग चेक गेट में, ये हम लोगों ने शुरू किया था 18th से वो स्क्रीनिंग हम लोग करवा रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको मॉनिटर करवा रहे हैं दिराग गेट से गेट में। उसके बाद जिस दिन लॉकडाउन हुआ, कम्प्लीटली हम लोगों ने जितने भी दुकान जितना भी है उसको हम लोगों ने बंद करवा दिया, पीपल्स मूवमेंट हमने बंद करवा दिया है, ऑफिसेस को स्केल डाउन करवा दिया है कि जिसका ज़रूरी है, क्योंकि मार्च एंडिंग भी थी तो कुछ लोगों को हम लोगों ने अलाउ किया है, लेकिन स्केल डाउन कर दिया, काफ़ी लोगों को अब मूवमेंट हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट करा, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है ओनली वो उनका ही मूवमेंट हम लोगों ने अलाउ किया है, मेडिसिन मूवमेंट, एम्बुलेंस मूवमेंट का हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यों ये चीज़ लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जारी किया है, पब्लिक हमारे साथ थे,
पब्लिक हमारे साथ दिया है, लोग जितने हो अपने आप को अपने रूम में ही कन्फाइन करा है, अपने आप को ही क्वारंटाइन करके अपने एरिया में लोगों ने हमें कोऑपरेट करा है। हर बंदे जो है हमें व्हाट्सएप में टेलीफोन के जरिए में बोला है कि सर हम आपके साथ हैं। तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स है, हमारे डिप्टी सीएम साहब, हमारे एमएलए, दोनों एमएलए, और भी लीडर्स जितना भी, और भी पंचायत लीडर जितने भी है, मुझे टेलीफोन करके मुझे बार बार मुझसे सलाह लेते हैं, एडवाइस देते हैं। तो वैसे हम लोग कर रहे हैं। तो मूवमेंट हम लोगों ने कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हम लोगों ने बंद कर दिया है। दूसरे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उसमें मेडिसिंस की, तो काफ़ी हमारे मेडिसिंस जो है ने हमने काफ़ी हमने स्टॉक कर रखा है, और जो हमारे एमआरआर के का जो फंड जो था उसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है। और फिर हमें सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट से हमें 2 लाख का इनिशियली हमें अलॉटमेंट करा, तो उसी से भी हम लोगों ने काफ़ी मेडिसिन हम लोग प्रोक्योर किया है, ग्लोव्स प्रोक्योर किया। और ऐसे टाइम हो गया था कि हमें थोड़ा वो मास्क की कमी थी, लेकिन उसमें भी लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। कुछ कुछ लोग खुद लोकली वो बनवा के हमें मुहैया करवाए, जो हमने पुलिस और जितने भी मेडिकल स्टाफ से उनमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको। अभी काफ़ी हमारे पास ग्लोव्स मास्क गवर्नमेंट से भी आ गई है, और फिर हम लोगों ने खुद प्रोक्योर किया है, हमारे पास अभी है। कुछ जो आइटम्स जो है पीपी जो है हमारे पास है, अभी भी है, लेकिन हमें बीच में ऐसे महसूस हुआ था कि कुछ कमी है, तो उसके लिए सरकार से हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे इंसिडेंट कमांडर होम कमिश्नर से, फिर हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत करके हमने उसके लिए भी हम लोगों ने कंफर्टेबल जोन बना लिया था। तो उसके लिए भी मेडिकल टीम जो है ना उसमें लगे हुए हैं, और VTM का कमी है ऑफकोर्स। तो सरकार ने हमें एश्योर करा आज या कल तक हमें VTM भी काफ़ी मिल जाएगा। अभी है हमारे पास 12-14, और भी हमें चाहिए, तो ये हमें वहाँ से अभी मुहैया करवाएंगे, वो आ जाएगा। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे सर, जो अभी पैनिक है लोग? मैं लोगों से इतना ही कहूँगा, एक तो आप पैनिक ना हो कि 6 का 6 जो है ना नेगेटिव है, लेकिन लोग जो है ना अलर्ट रहे कि अपने अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में भी किसी का कोई भी बीमार हो, कोई भी छोटा से छोटा बीमार हो, या तो वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, या वहाँ में लोकल वेलनेस सेंटर के जितने भी इंचार्ज हो उनको, या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट का हमारे जो ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर, उनका नंबर हमने दे रखा है सबको, उनको हो, और कोई भी गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर को हो वो खबर कर दे। मैंने हर एक ऑफिसर्स को मैंने बोला कि अभी आप ये ना देखें कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, कोई भी अगर आपका नज़र में आ जाता है तो हमारे नज़र में, हमारे संज्ञान में जरूर दें। तो मैं यही अपील करूंगा, और घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, हमारे साथ दें। अभी तक आपने हमारे साथ दिया, और इसके लिए मैं अभी शब्दों से नहीं महसूस कर रहा हूँ, शब्दों से मैं तब कहूँगा जब ये एक वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ हमें हम एक शांति का माहौल में बैठ कर सबसे गुफ्तगू कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जैसा कि अभी डीसी से बात करने के बाद ये पता चला है कि जो वाक्रो का, मेदो का जो पाया गया है COVID-19 पॉजिटिव का, वो रिपोर्ट बिल्कुल ही सही है। और जहाँ तक कि नमसा डिस्ट्रिक्ट का बात है, यहाँ पे भी 6 लोग निज़ामुद्दीन के लिए दिल्ली गया हुआ था, तो उनको भी क्वारंटाइन पे रखा गया था नमसा डिस्ट्रिक्ट का, तो उनका जो सैंपल भेजा गया था उसका रिपोर्ट आ चुका है और सब नेगेटिव बताया गया है। तो इसी के बनते हमारे जो नमसा डिस्ट्रिक्ट के DC है, उनका अपील है लोगों से कि वो घर पे ही बैठे रहें, घर से ना निकले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना, अपने जान को, अपने लव वंस को हेल्प करना, मतलब घर पे बैठे रहना ही है। हमारे जो अरुणाचल टुडे की टीम से और हमारे नमसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है आप सभी को कि आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। कैमरा पर्सन कोंखम चखप के साथ मैं शांति स्मित, अरुणाचल टुडे, नमसा।